स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं झारखंड झरोखा। चतरा में अपराधियों ने दिनदहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। एसबीआई की मुख्य शाखा से 1,33,000 की राशि निकालकर ले जा रहे चौकीदार से बाइक सवार अपराधियों ने रुपए से भरा बैग छीन लिया है। लूट की घटना को अंजाम देने के दौरान तीनों अपराधियों ने चौकीदार की पिटाई भी की है। थाना प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट को सील कर घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कर रहे हैं, बैंक में आकर सीसीटीवी फुटेज कैमरा चला रहे हैं, जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। राजपुर थाना चौकीदार है सर, आए थे डाक लेके, वही सर ने डाक घुमाते, उसके बाद जो है कागज पत्र सब लिए, उसके बाद बैंक आए, बैंक में पैसा निकाले 1,33,000। उसके बाद जो है हम जा रहे थे सर काली मंदिर जगह, हमने पैसा जो है लूट लिया 3,000। तो चतरा में चौकीदार से 1,33,000 रुपए लूट लिए हैं बाइक सवार अपराधियों ने, इस घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी से ये समझ में आता है कि अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद है। दिन दहाड़े अपराधियों ने चौकीदार से 1,33,000 रुपए लूट लिए। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस रेस हो गई है, तमाम चेक नाकाओं पर अपराधियों के धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। सहयोगी संजय हमारे साथ चतरा से फोन लाइन पर मौजूद है। संजय, जिस तरह से चौकीदार से 1,33,000 रुपए की लूट हुई है, दिन दहाड़े हुई है, ये बताने को काफी है कि अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। देखिए, जिस तरह से चतरा में जो है चौकीदार अर्जुन यादव के जो बैंक से पैसा निकाल करके आ रहे थे, उसी बीच काली मंदिर के सामने जो पोस्ट इलाका पड़ता है, जहां भीड़ भाड़ इलाका है, वहां से तीन अपराधी ने मोटरसाइकिल से उनके 1,33,000 रुपया लूट करके चंपत हो गए और वो जो है केसरी चौक होते हुए भागने की सूचना मिली और उसके बाद पुलिस जो है उनके धरपकड़ के लिए कई जगह पर छापामारी चालू कर दी है और छापामारी के दौरान जो है पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी भी कर दी है। चलिए संजय, उम्मीद की जानी चाहिए कि अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस पकड़े, जिस वजह से जो अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं उनके हौसले पस्त हो। फिलहाल शुक्रिया आपका।